प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अबानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आप जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं उसको सहर्ष ग्रहण करते रहें। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है कारक। क्या है कारक? प्रिय विद्यार्थियों, कारक जो शब्द है, कारक जो शब्द है, कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। विद्यार्थियों, कारक शब्द का अर्थ क्या है? करने वाला। अर्थात जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध करता है, उसको कहते हैं कारक। कारक का अर्थ है करने वाला। इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार है वो आप देखेंगे। परिभाषा, परिभाषा है कि जिस शब्द का क्रिया के साथ साक्षात या वास्तविक संबंध या मेल होता है, जिस शब्द का क्रिया के साथ साक्षात या वास्तविक संबंध या मेल होता है उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक। जिस शब्द का क्रिया के साथ साक्षात या वास्तविक संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। तो अब आप देखिए कि जो कारक हैं, कारक का अर्थ बताया करने वाला। इसकी परिभाषा हिंदी में आपको बताया कि जिस शब्द का क्रिया के साथ साक्षात या वास्तविक संबंध होता है उसे कारक। जैसे संस्कृत में इसकी परिभाषा बता दें कि यस्य शब्दस्य क्रियया सह साक्षात् वास्तविकं वा संबंधं मेलनं वा भवति। सकारक इति कथ्यते। प्रिय विद्यार्थियों, यस्य शब्दस्य, जिस शब्द का क्रियाया सह क्रिया के साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, सह साकम सार्धम समम योग की तृतीय विभक्ति, इसलिए क्रिया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका तृतीय रूप बनेगा क्रियाया। जैसे छात्रा का छात्रिया, विद्या का विद्या, ऐसे होता है। क्रियाया सह साक्षात वास्तविकम वा, साक्षात या वास्तविक संबंध या मेल होता है उसे कहते हैं कारक। अब कारक का अर्थ बताया, कारक की परिभाषा हुई। अब आइए आप आगे देखेंगे कारक मुख्य रूप से छह होते हैं। कितने होते हैं? छह। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे कारकों की संख्या आठ है,
लेकिन कारक छह क्यों मानी गई? इसमें कारण है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। अपन ने परिभाषा में लिखा है कि जिस शब्द का क्रिया के साथ साक्षात या वास्तविक संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। संबंध जो कारक है, इसमें संबंध जो विभक्ति का रूप है, संबंध जो कर्ता का रूप है, उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं है, इसलिए संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, संबंध कारक को कारक इसीलिए नहीं माना गया है क्योंकि उसका संबंध सीधा क्रिया से नहीं होता। तथा जो संबंध संबोधन कारक है उसको कारक क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वह भी कर्ता कारक का दूसरा ही नाम है। कर्ता कारक का दूसरा नाम होने से वह कारक नहीं माना गया है, इसलिए कारकों की संख्या हमारे संस्कृत भाषा में हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार छः हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। अब आप आगे देखेंगे कि वो छः कारक कौन कौन से हैं। जैसे आपको अभी एक बताया जाए कि जैसे भोज नृप दशरथस्य पुत्र है, श्री राम है, श्री राम है, स्वहस्तेन निर्धनेभ्य कोशात् नगरे धनम ददाति। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखें, हे राजन, दशरथ का जो पुत्र है कौन? श्री राम। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? श्री राम। दे कौन रहा है? श्री राम। तो इसका संबंध इससे है, इसलिए ये क्या हो गया? कर्ता, कर्ता हुआ। क्या दे रहा है? धन। ये धन दे रहा है, तो इसका संबंध इससे दे क्या रहा है? धन। तो इसमें हो गया कर्म। किससे दे रहा है? स्वहस्तेन, हाथ से दे रहा है, तो इसमें हो गया करण कारक। किन के लिए दे रहा है? निर्धनेभ्य, तो इसमें हो गया संप्रदान कारक। कहाँ से दे रहा है? कोषात, यानी खजाने से, तो इसमें हो गया अपादान कारक। कहाँ दे रहा है? नगरी, नगर में, तो इसमें हो गया अधिकरण कारक। प्रिय विद्यार्थियों, कारक हो गए छः, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छः। अब अपने पास प्रश्न उठता है, कह ददाति कौन देता है? तो अपना उत्तर लिखेंगे श्री राम है। किम ददाति? तो धनम। केन ददाति? किससे देता है? तो स्वस्तेन। केभ्य ददाति? तो निर्धनेभ्य। कस्मात ददाति? तो कोषात। कुत्र ददाति या कस्मिन ददाति? किसमें देता है? मतलब नगरे। इस प्रकार से कारकों की संख्या छः है और छः जो कारक हैं वह आपको सारणी के माध्यम से अभी आपको बताए जाएंगे कि कारक छः कौन कौन से हैं और कौन कौन से कारक नहीं हैं के बारे में आपको अभी बताया जाएगा। क्रम संख्या, कारक का नाम, कारक चिन्ह, विभक्ति कारक हाँ या नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखें कि क्रम संख्या पहला एक,
कारक का नाम है कर्ता, पहले कारक का नाम है कर्ता, जिसको आप देखेंगे कर्ता कारक का जो चिन्ह है वह है ने, इसकी विभक्ति है वो है प्रथमा, और ये कारक है या नहीं? हाँ। विद्यार्थियों अपन ने देख लिया है कि क्रम संख्या एक जिसमें कर्ता चिन्ह ने विभक्ति प्रथमा और कारक है या नहीं, हाँ। नंबर दो ये है कर्म, कर्म जो कारक है उसका चिन्ह है को, उसकी विभक्ति है द्वितीय, वो कारक है या नहीं, हाँ। तीसरा जो है वो है करण, करण कारक है, इसका चिन्ह है से या द्वारा, इसकी विभक्ति है तृतीया, ये कारक है या नहीं है, हाँ। चौथे नंबर पर जो है वो है संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए, इसमें है चतुर्थी, और चतुर्थी का चिन्ह है हाँ। पांचवा है अपादान, अपादान कारक, इसका चिन्ह है से या अलग, इसकी विभक्ति है पंचमी, और ये कारक है या नहीं है, हाँ। इसी प्रकार से जो छठा है वो है संबंध, संबंध जो कारक है इसका चिन्ह है का के की रा रे री, इसकी विभक्ति है षष्ठी, कारक है या नहीं है, ने ही। सातवां है अधिकरण, इसकी विभक्ति है में पर, और इसकी विभक्ति है सप्तमी, ये कारक चिन्ह में पर सप्तमी, कारक है या नहीं है, हाँ। और आठवां जो है, आठवां है वो कारक है संबोधन, इसका चिन्ह है हे ओ अरे, इसकी विभक्ति है संबोधन, और कारक है या नहीं है, नहीं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कारकों की संख्या वैसे आठ मानी है लेकिन मुख्य रूप से छः है, मुख्य रूप से कारकों की संख्या छः है, जिसमें आपको कारक नहीं बताए गए हैं, जैसे संबंध है वैसे इसको कारकों की गिनती में ले रहे हैं, क्योंकि संबंध जो विभक्ति है वो षष्ठी है, तो षष्ठी का भी तो भाई कर्ता का रूप षष्ठी का रूप भी तो होता है ना, इसलिए उसको संबंध कारकों में गिना है, लेकिन कारकों की गिनती में वैसे नहीं लिया गया है कि कार किसको नहीं माना जाता है, कार किसको माना जाता है, जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, अतः इनका संबंध और संबोधन दोनों का संबंध क्रिया से नहीं होता, क्योंकि संबोधन है ये तो कर्ता कार का अपर रूप है, संबंध है इस संबंध का रूप, जिस कार का जिस कर्ता का संबंध रूप होता है उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसलिए इसको कारक नहीं माना गया है। जैसे अपने पास एक वाक्य है, जैसे अपने पास ये है, जैसे
रामस्य भ्राता, रामस्य भ्राता लक्ष्मणे वनम गच्छति। यह है। अब यहां पर यह कर्ता नहीं है, कर्ता यह है, कर्ता यह है। राम का भाई लक्ष्मण अर्थात कर्ता यह रहेगा, कर्ता यह है, न कि ये कर्ता नहीं है। कर्ता यहां पर यह है, क्योंकि कर्ता यह क्यों है, क्योंकि इसका संबंध इससे है, गच्छति, गच्छति मानी जा रहा है। लक्ष्मण अब इसमें कर्म, ये कर्म है, कहाँ जा रहा है, वन, तो इसका संबंध विषय, इन दोनों का संबंध होने से ये दोनों कारक हो गए। ये कारक नहीं है, ये सर्प रूप बनाने के लिए, अगर भाई हाँ रूप है फला का फला की, तो इस प्रकार से उस रूप को बनाने के लिए ये संबंध कारक को लिखा जाता है, न कि कारकों के लिए। का इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, इसलिए कारक इसको नहीं माना जाता है। अतः यहाँ पर लक्ष्मण कारक है, करता है, इसका संबंध निश्चय है। इस प्रकार से आप अच्छी तरह इन बातों को समझ करके और कारकों की सारणी को अच्छी तरह नोट कर लें। आज का वीडियो का यही रहेगा। धन्यवाद।